सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम चलते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, वाक्यों को पहचानना कि दिया हुआ वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो आज के बाद कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं, हम सबसे पहले बताते हैं आपको रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें केवल एक क्रिया होती है। सरल वाक्य में केवल एक क्रिया होती है ना। जैसे मैं बोलूं मोहन खेल रहा है, दिनेश जा रहा है या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी जिसमें केवल एक क्रिया होती है, वो पढ़ना, लिखना, जाना। लेकिन यदि मैं बोलता हूं राम और मोहन ने चोर को पीटा, अब और लगा है तो क्या संयुक्त वाक्य है? नहीं। पीटा, चोर को पीटा, जो पीटना क्रिया हो रही है लेकिन दोनों कर्तव्य मिलकर एक क्रिया कर रहे हैं, तो और लगाने से संयुक्त वाक्य हमेशा नहीं होता है। यदि क्रिया एक ही है उस वाक्य में और कर्ता के बीच में लगा है तो दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, है ना, तो सरल वाक्य माना जाता है ना। यदि मैं बोलूं मोहन आया और सोहन गया, तो देखो इसमें आना और जाना दो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के बीच में और लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, है ना। और ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सरल वाक्य जुड़े रहते हैं और बीच में कुछ ना कुछ योजक चिन्ह लगा रहता है, वो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो जो संयुक्त वाक्य होता है वो मिश्रित वाक्य होता है, इसमें इन वाक्यों में एक से ज्यादा क्रियाएं होती है लेकिन सरल वाक्य में केवल एक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि दिनेश का भाई सोहन आज आ रहा है, तो ये भी वाक्य कौन सा है? केवल सरल वाक्य है, दिनेश का भाई सोहन, है ना, आज आ रहा है, आना क्रिया है बस। ठीक है, ऐसा यदि मैं ऐसा बोलूं कि भोपाल से चलने वाली गाड़ी आज लेट है, ये भी कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। तो आप ऐसा मत सोचना कि सरल वाक्य छोटे होते हैं, बहुत लंबे भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो रहते हैं सरल वाक्य, क्योंकि क्रिया उनमें एक ही होती है। जो कर्ता होता है, कर्ता का प्रसार कर दिया जाता है, मोहन का भाई सोहन, है ना, इतना बड़ा कर्ता ही इसमें, आज आ रहा है तो आना है, तो अभी सरल वाक्य होगा, है ना। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य। तो जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मोहन आया और सोहन गया, है ना, एक कौन सा वाक्य है? ये भी है संयुक्त वाक्य। तो जो जोड़ने के वाले जो योजक चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? यदि मैं बोलूं आपसे यथा, तथा, इसलिए, है ना, लेकिन, किंतु, परंतु, तो, नहीं तो, अतः, है ना, तथा, अथवा, इसलिए, इस टाइप के जो होते हैं इन्हें योजक चिन्ह बोला जाता है। और ये योजक चिन्ह किसी भी वाक्य में आपको लगे दिखे, दो अलग अलग क्रियाओं को, दो अलग अलग वाक्यों को अलग करने के लिए इनका प्रयोग हुआ हो, तो आप समझ जाना ये कैसे वाक्य है, ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कौन कौन से योजक चिन्ह होते हैं। दो सरल वाक्यों को योजकों द्वारा जब जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त वाक्य बन जाता है। वो योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे और, या, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, तो, नहीं तो, फिर भी, लेकिन, किंतु, परंतु, पर। तो आपको जो याद करना है वो कौन से करना है? फिर भी, लेकिन, ये थोड़े भूल जाते हैं, करना तो पूरे याद है, है ना, इसको ध्यान रखना है। यदि इनको याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन, किंतु, परंतु, पर, इनको साथ में याद कर लेना, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, ये साथ में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो, नहीं तो, को साथ में याद कर लेना, तो, नहीं तो, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, ठीक है, फिर भी, और ये तो सब एक जैसे होते हैं, और, या, एवं, तथा, अथवा, है ना, ये सब तो लगभग एक ही जैसे होते हैं। इसके बाद इसलिए और अतः अलग से याद कर लेना, है ना, इसलिए जरूर याद करना है, इसलिए और अतः, है ना। तो आपको तीन चार फैक्टर बनाना है, तो, नहीं तो वाला अलग हो जाएगा, ये सब अलग हो जाएंगे। तो ये कभी भी किसी वाक्य को अलग करने के लिए प्रयोग की जा रहे हैं, तो समझ जाना कौन सा संयुक्त वाक्य है। अब हम बात करते हैं मिश्रित वाक्य में। मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें जब एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम कोई बात बोलना चाहते हैं कि जो लड़का कमरे में बैठा है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, ऐसा मैं बोलूं, ठीक है ना, तो आधी अधूरी बात पहले होती है, इसके बाद पूरा जब तक सेंटेंस नहीं हो जाएगा, जब तक उसका सारांश पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें पता चल जाता है, मैं बोलूं मोहन आया,
तो पूरा बाप हो गया, और सोहन गया ये अलग बाप के। तो दो जो सरल बाप होते हैं वो जोड़े रहते हैं हाइपर के द्वारा इसमें। और इसमें क्या होता है कि जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है ना, जो लड़का कमरे में बैठा है, अब इसकी बात अधूरी बात हुई अभी, फिर मैं बोलूंगा वह मेरा भाई है। तो जो वह अगर कभी भी आता है, देखो इसमें लिखा जो वह, तो कौन सा वाक हो जाएगा, मिश्रित वाक। तो जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो ये साथ में आएगा पूरा, है ना, ठीक है। जो आता है जो वह, ये दोनों आए तब भी कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक। यदि तो आ जाए तब भी कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक की आ जाए, है ना। मैंने कहा कि श्याम आज आ जाएगा, ठीक है, तो कहा कि श्याम आज आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से की लग जाए तब भी कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक, और क्योंकि लगे तब भी मिश्रित वाक। तो आपको याद करना है कि क्योंकि और जो वह, देखो कि क्योंकि जो जो वह यदि तो, पांच याद करना है बस, इसके बाद मैं याद करा दूंगा आपको कैसे करना है, कौन कौन से, कि क्योंकि जो जो वह यदि तो, कि क्योंकि जो जो वह यदि तो, पांच याद हुआ। इसके अलावा सारे जा से स्टार्ट होने वाले होते हैं और दो दो के पेयर में आते हैं। जैसे मैं बोलूं जहां जहां तुम जाओगे वहां, जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा, तो देखो जहां वहां, जहां वहां दोनों है ना, जहां के साथ वहां आया, मतलब जहां से स्टार्ट होने वाले जब भी ऐसे वाक्य बने तो कौन सा होता है, मिश्रित होता है। जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा, जैसे तुम पढ़े थे वैसा ही मैं पढ़ूंगा, और जब तक तुम बाजार नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, यदि है ना, यदि तुम, इसमें आता है यदि तो, यदि मैं बोलूं ऐसे, यदि तुम बाजार जाओगे तो मैं भी चलूंगा, तो यदि तो का प्रयोग हुआ, यदि तुम बाजार जाओगे या फिर यदि आप बाजार जाओगे तो मैं भी चलूंगा, तो किसका प्रयोग हुआ, यदि तो का, है ना, ठीक है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो कौन सा हो गया, मिश्रित वाक। इस प्रकार के इनसे कौन से बनते हैं, मिश्रित, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा वाक्य पढ़ते हैं जिसमें तीनों कंबाइन होके आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है वह दो दिन यहाँ रहकर सबका प्रिय हो गया। क्या लिखा है, वह दो दिन यहाँ रहकर सबका प्रिय हो गया। ये कौन सा वाक्य है, यदि मैं बोलूं इतना बड़ा वाक्य है तब भी कौन सा है, सरल वाक्य, क्योंकि देखो ना तो इसमें ए वाले हाइफन लगे हुए हैं, ना इनमें से कोई भी योजक चिन्ह लगे हैं, कोई भी योजक चिन्ह नहीं दिख रहा है इसमें, नॉर्मल दिख रहा है। वह दो दिन यहाँ रहकर सबका प्रिय हो गया, तो कौन सा हो गया, ये क्रिया इसमें प्रिय हो जाना है ना, तो कौन सा है, ये है सरल वाक्य। लेकिन इसमें देखो इसी वाक्य को ऐसे बोलूं, अगर मैं वह दो दिन यहाँ रहा और सबका प्रिय हो गया, मैंने क्या बोला, वह दो दिन यहाँ रहा और सबका प्रिय हो गया, तो ऐसा कौन सा वाक हो जाएगा, ये और लगा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त वाक। यदि मैं ऐसा बोलूं जब वह दो दिन यहाँ रहा तब सबके प्रिय हो गया, तो इस किसका प्रयोग हो गया, जब तब, ये वाला जो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, जब तब, है ना। और वैसे भी जब दो पेयर में आते हैं, जब जो योजक चिन्ह पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं जब, तो कौन सा होता है, तो हमेशा मिश्रित ही होता है, है ना। इसमें तो सिर्फ एक आएगा इस टाइप से और बीच में कहीं ना कहीं लगा जाएगा, तो इसमें लिखा जब वह दो दिन यहाँ रहा तब सबका प्रिय हो गया, तो ये कौन सा वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से पहचानना आ गया होगा, ठीक है ना, तो ठीक है, इनको याद रखना और इससे संबंधित एक एक्सरसाइज बुक से सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया होगा है ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, और कमेंट करके बताइए, जो भी आप, जो भी कमी हुई हो उसको भी बताइए, है ना, कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो वो